मैं जीत गया। गुड इवनिंग शालिनी जी, कैसी हैं आप? मैं जीत गया भाई। सॉरी अंकल टक्स, जीते आप नहीं, जीता मैं। निकालिए 20,000 रुपए। 20,000? कौन सी 20,000 रुपए? अरे आपने मुझसे शर्त लगाई थी लड़की को पटाने की और अपने साथ लाने की। मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, और अगर आपने बेईमानी करने की सोची भी तो अच्छा नहीं होगा। तुम मजाक कर रहे हो? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। रियली? लेकिन तुम तो प्रिया से प्यार करते हो ना? प्यार? हाँ, मैंने तो ये सारा ड्रामा सिर्फ शर्त के लिए किया था। अब आप माल निकालिए और तारीफ कीजिए कि क्या ड्रामा था। वाह वाह। लेकिन तुम तो राहुल से प्यार करती हो ना? प्यार? मैं तो इसके साथ इसलिए आ गई थी क्योंकि मुझे बॉबी से शादी नहीं करनी थी, वरना अपने बाप के दुश्मन के ऊपर तो मैं थूकू भी नहीं। मगर मैं अपने बाप के दुश्मन पर थूकने के लिए तैयार हूँ। How dare you, बदतमीज। Too good. अरे ये क्या बदतमीजी अंकल टक्स? ये बदतमीजी नहीं है भतीजे, सेकंड एक्ट की शुरुआत है। सेकंड एक्ट? जी, यहाँ से शुरू होता है ऑपरेशन प्याराना पार्ट 2। हाँ तो मिस्टर राहुल सूरज प्रसाद सिंह, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बहुत अच्छा है, और खुशी इस बात की है अंकल टक्स कि आपने घर बहुत अच्छा चुना है। थैंक यू। लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी मौत भी इसी घर में होगी। क्या? या, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको किस किस्म की मौत पसंद है? नेचुरली जो आराम से आ जाए भाई। आराम की मौत आपकी किस्मत में है नहीं। क्यों? वो इसलिए कि अब तक मेरे बाप और इनके बाप आपको शहर के हर गटर में ढूंढ चुके होंगे। गटर? जी हाँ, और अगर आप शहर में नहीं मिले तो वो बाहर निकलेंगे, और आज नहीं तो कल यहाँ पर पहुंच ही जाएंगे, और आपसे फिर यही सवाल करेंगे जो मैंने इस वक्त अभी आपसे किया। तो अच्छा होगा कि आप सोचकर मुझे बताएं अंकल तक कि आपको किस किस्म की मौत पसंद है। और शालू जी, खाना तो आपका कमाल का था। टू गुड। एक बात मेरी भी सुन लो, कभी कभी अकल को धूप दिखा दिया करो, वरना पड़े पड़े सड़ जाएगी। क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ, तुम्हारे बाप को ये पता कैसे चलेगा कि इस चाल के पीछे केडी का हाथ है? दुनिया के सामने लड़की लेकर तुम भागे हो, तलाश तुम्हारी हो रही होगी। दूसरी बात, आदमी चोर को हर जगह ढूंढता है लेकिन अपने घर पर कभी नहीं ढूंढता। वैसे बरकरार तुम्हारी इतला के लिए, ये बंगला तुम्हारे बाप का ही है। मेरे बाप का? जी हाँ, जिस पर मैंने कब्जा कर लिया है और पहरेदारों को पार्सल कर दिया, इसलिए तुम्हारा बाप यहाँ कभी नहीं आ सकता। तो फिर मेरे आप बाबूजी को नहीं जानते? वो यहाँ आएंगे, जरूर आएंगे। चाहो तो लगा लो शर्त। सॉरी, लग गई। तुम और तुम्हारी शर्तें, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ब्लडी हेल। ओह शट अप। अरे अरे आप पीछे क्यों आ रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? एक मिनट रुको, एक हाथ मारूंगा दांत निकाल दूंगा, समझी? नाखून देखे आंखें निकाल दूंगी। ए बढ़िया, ये आंखें निकालने वाली, चल पीछे आ, पीछे आ। अरे राहुल, अरे अंकल क्या कर रहे हो? आपको हथकड़ी लगाएंगे। चाबी? चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी? मैंने कहा ना चाबी मेरे पास। चाबी दो अंकल टक्स। अरे मेरे पास नहीं है चाबी। उधर ढूंढो। हाँ। मेरे पास क्या ढूंढो? अरे चाबी कैसे नहीं है आपके पास? दुदुदी हो रही है, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। चाबी यहाँ है और अब यही रहेगी। गुड गुड। शालू तुमने ठीक ही कहा था, कामदेव की कमान से निकला तीर निशाने पर लगी गया। मुबारक हो। मुबारक हो प्रिया, मुबारक हो राहुल। थैंक यू। मुबारक हो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा नाम ऊंचा करने के लिए हमारा बेटा हमारे दुश्मन की बेटी को उठाकर हमारे ही घर ले आएगा। बाबूजी ऐसी बात नहीं है। बस समीज, बेटी दोस्त की हो या दुश्मन की, वो बेटी होती है, और किसी भी बेटी को उसके बाप के घर से भगाया नहीं जाता, बल्कि उसे डोरी चढ़ाकर विदा किया जाता है। मैं इसे भगा कर नहीं लाया हूं बाबूजी, ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है।
देखिए आप गलत मत समझिए, मैं घर से इसलिए भागकर आई थी कि मुझे उस बेवकूफ बॉबी से पीछा छुड़ाना था। झूठ मत बोलो मेरे बच्चों, और इन बंदूकों से बिल्कुल मत डरो। बहादुर वो होता है जो मौत के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाए। कह दो इनसे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ये तो सिर्फ एक नाटक था अंकल टक्स। नाटक? और नहीं तो क्या, प्यार हो जाता है, जबरदस्ती कराया नहीं जाता। तो क्या तुम दोनों? अरे जरा ठहरो, हमें भी तो समझाओ। इतनी देर से का बकबक हो रही है? कौन किसके साथ जबरदस्ती कर रहा है बोलो। मैं आपको समझाता हूँ बाबूजी। ये पागल आदमी ये इंस्पेक्टर केडी सिंह है। इन्होंने प्लान बनाया था कि अगर हम दोनों में प्यार हो जाए तो आपकी और लाला की दोस्ती एक बार फिर से हो जाएगी। मगर हमारी और लाला की दोस्ती से इस पगलुओं को क्या फायदा होगा? मुझे नहीं, सारे शहर को, सारे देश को फायदा होगा। तुम दोनों की गैंग वॉर बंद हो जाएगी तो कितने बेगुनाहों की जान बचेगी। लोग आराम से सोएंगे, इत्मीनान से अपने अपने काम पर जाएंगे। ये आए दिन की मारामारी सड़कों पर बंद हो जाएगी। हर तरफ सुख होगा, चैन होगा, शांति होगी, अमन होगा। हम तो सोच रहे थे कि राहुल को फंसाने की कोशिश में तुझे किसी नदी या तालाब में दफन कर देंगे, ना तेरी अर्थी उठे ना ही तेरी समाधि बने। लेकिन अब हम सोचते हैं कि तू जैसे सीधे आदमी को मारना गौ हत्या के समान पाप होगा। जाओ, हम तुमको माफ किया। अरे प्रिया, लाला ने हमको बहुत गालियां दी है, लेकिन उसके जवाब में हम उसे गाली नहीं बल्कि उसकी बेटी इज्जत के साथ लौट आएंगे। चलो हमारे साथ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अंकल टक्स को यहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं, जब तक पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जल्दी कीजिए, वो लोग आते ही होंगे। आइए चलिए। वो सारा इंस्पेक्टर केडी सिंह कौन से रूम में है? आप कौन है? बताती है केडी सिंह का कमरा कौन सा है? या उड़ा दूं खोपड़ी। ICU 5th फ्लोर। राहुल वापस वापस। भैया इसे पकड़ो, राहुल तुम लोग जाओ। जी जाओ। उधर से जाओ, तुम इधर से। Let's go। उधर प्रिया, उधर। तो तुमने सोचा
उल्लू को उल्लू बनाकर इस उल्लू की जान बचा लोगी। मगर तेरी डोली उस कमीने के घर जाते हुए कभी नहीं देख सकता। दुश्मन आपका है, लड़ाई आपकी है, नफरत आप उससे करते हैं, मगर मैं तो अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, अपने हाथों अपनी मोहब्बत को दफना दूं? मैं आपका बेटा हूं, आपके घर में पैदा हुआ हूं, अगर आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसलिए कि वो जलील है, कमीना है, नमक हराम है। वो इतना जहरीला है कि सांप से दोस्ती की जा सकती है, मगर सूर्य सिंह से हाथ कभी नहीं मिलाया जा सकता। हमें तेरे प्यार की शिकस्त नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी नजरों में गिरना भी नहीं चाहते। हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत चाहते हैं, तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे जो मांगे वो दे सकते हैं, लेकिन हम लाला के सामने झुककर अपना दामन फैलाकर उसकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकते। तो मैं मान नहीं सकती कि जो आदमी अपने दुश्मन की बेटी को इज्जत से उसके घर पहुंचाए और अपने बेटे को सजा दे, वो जलील, कमीना और नमक हराम हो सकता है? ये कैसे हो सकता है पापा, जवाब दीजिए। बदतमीज लड़की, तू जानना चाहती है कि सूर्य सिंह की असलियत क्या है? तो सुन, उसने मुझसे दोस्ती की, तेरी मां को अपनी बहन, अपनी भाभी कहा, और फिर उसी को अपने जाल में फंसा लिया। तेरी मां को, तेरी जलील मां, और उस कमीने का संबंध था, सुना तूने? उन दोनों का संबंध था, इसलिए मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुझे जहर दे सकता हूं, लेकिन तेरी शादी उस सांप की औलाद के साथ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब तू समझी कि वो मेरा दुश्मन क्यों है, वो कमीना मेरा दुश्मन क्यों है? लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी एकदम से तो नहीं होती, इसका कोई तो कारण जरूर होगा। कारण का पता नहीं, हम उस वक्त पूना में थे, सरिता भाभी का फोन आया, वो बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने हमें खंडाला वाले बंगले में बुलाया। भाभी, 1 करोड़ रुपया हमारी प्रिया की जान से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारा दिल कहता है। भाई साहब, उसने कहा है कि अगर मैंने जरा भी होठ हिलाए तो वो प्रिया को। अरे भौजी, किसी ने आपके साथ जरूर मजाक किया है। ऐसा मजाक कौन कर सकता है? अरे मजाक ही होगा भौजी, मजाक ही होगा, वरना बंबई शहर में अभी तक कोई ऐसा जिगर वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे लाला की बिटिया का सपने में भी बाल बाका कर सके। लेकिन उसने कहा है कि वो प्रिया को। भौजी, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि जिसने ऐसी बदसगुनी वाली नीच और जलील हरकत की है, हम उसके जुबान तो क्या, उसके बदन के टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल देंगे। आप दोनों दोस्तों को तो बस खून खराबे की भाषा के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। भाई साहब, कुछ कीजिए, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी से ही सलामत वापस चाहिए। ए भौजी, हिम्मत रखिए, आपकी बिटिया सही सलामत मिलेगी आपको। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी?
क्या जवाब दूंगी? भाभी आपकी प्रिया को कुछ नहीं होगा। और हम जब होश में आए तो हमें यह बताया गया कि हमने सरिता भाभी की इज्जत पे हाथ डाला, इसलिए सरिता भाभी ने हमें गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। हमने बेटे लाला से मिलकर सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर तब तक लाला हमारे खून का प्यासा हो चुका था। वो हमारी सूरत देखने, आवाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं था।